आप लोग साइड में हेलो स्टेट के तरफ से एंड एन अवार्ड टू बी अवार्डेड अ महाराष्ट्र ऑफ द ईयर आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय स्टेट वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय सिटी अ ट्रू मुंबईकर एंड टू रिसीव दिस ऑनर आई थिंक इट्स आई फील वेरी हम्बल सॉरी विल सी नाउ जी I think the lead, there's no one more deserving than him because I think his choice of films are so brave. उन्होंने हर एक टॉपिक पे अलग अलग यू नो फिल्म ही इज ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट सो ऑफ कोर्स आई थिंक देयर इज नो वन मोर डिजर्विंग देन हिम आई थिंक एवरीबडी इज मेकिंग टू मच ऑफ अ डील अबाउट इट थैंक यू पार्टनर है
1, 2, 3, 1. Good. Guys, only 2 questions, please. Sir, 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 sir. Thank you. Nee, I think it's a. जैसे मैंने अंदर भी कहा कि फिल्मों के लिए तो अवार्ड मिलता है, but to get an award which is, you know, from like the honor of Maharashtra of the year, which so many important dignitaries are getting, I think I'm very humbled by it. I think after 18 years of working in this profession, I don't think मैं किसी और बारे में सोच भी सकती हूँ, because I think I've always wanted to be an actor. So I can't even think, I can't imagine life without acting. I'm very, very happy to know also that the finance minister of Maharashtra has built 100 trees and is planning to do much, much more in terms of building trees and planting them, which I think is going to really, really help our state. And I think that's a wonderful way of cleaning the air and our environment also. Thank you, guys. Thank you. Thank you.
going to hear from you. चला जा कम थैंक्स मैं जी आई डोंट बाइट देख यस यही कहना चाहूँगा कि लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड है महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता है जिनकी अचीवमेंट्स जिनके काम बहुत ही डिस्टिंक्ट और बहुत ही शानदार हैं. मुझे खुशी है कि मेरे प्रिय मित्र अक्षय कुमार को आज सम्मानित किया जा रहा है और अक्षय ना सिर्फ महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर He, in my opinion, is the Indian of the year, Indian of the decade. इतने अच्छे काम करते हैं इतना अच्छा अभिनय करते हैं वो तो सब जानते हैं आप सब लेकिन अक्षय असली जिंदगी में समाज में देश में अपनी स्टेट में बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं शुभकामनाएं टू महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड माई फ्रेंड अक्षय कुमार थैंक यू वेरी मच क्या बोला भाई मैं सुना नहीं दिया थैंक यू ओफो
ऐसे शख्स को सम्मानित किया है जो हमें इंस्पायर करते हैं, और ये कोई कंपटीशन नहीं थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका काम सराहा जाएगा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. मैंने उनके साथ काम किया है, तो फियर फैक्टर का जो पहला सीज़न था खतरों के खिलाड़ी, उसमें मैं अक्षय जी के साथ थी, और साउथ अफ्रीका में हमारा सीज़न हुआ था. प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो मराठी फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है उसका 50वां दिन अभी हमने सेलिब्रेट किया, जिसका नाम है गुलाब जाम और जिसके निर्देशक हैं सचिन कुंडलकर. फीलिंग प्राउड. थैंक यू. पुढे पुढे यांच्या पुढे जी. जी मतलब मैं ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन बहुत सुना है मैंने और बहुत ही पॉपुलर है. जितने अपने दोस्तों से सुनता हूँ, अपने नज़दीकी कलाकारों से सुनता हूँ, सो आई हैव हर्ड अ लॉट. सो आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी, एंड द स्केल दैट आई कैन सी राइट नाउ, जिस स्केल पे ये चीज़ हो रही है, ये अवार्ड हो रहे हैं, ये बहुत ही लार्ज स्केल है, एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर.
इतना जानता हूँ कि इतना कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, आप लोग भी काफ़ी अरसे से उनके शोज़ और हमारे शोज़ को देखते आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ फैलाई हैं, बहुत ही हंसी मजाक किया है, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। तो आज की डेट में जब वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनकी तबीयत ज़रा सी ख़राब है, नासाज है, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, तो मैं सभी लोगों से अपने दोस्तों से मीडिया से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें थोड़ा स्पेस दे दो, उनको अभी रिलैक्स करने दो, उनको ठीक फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने इतना इन्जॉय किया है, मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर ऐसा कलाकार जो इतना अच्छा काम कर चुके हैं वो वापस नहीं दिखाई देते तो, या कम वक्त के लिए दिखाई देते हैं। आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर रिकवरिंग ऑन हिज हेल्थ एंड ही शुड बी बैक विद अ बैंग। और मुझे क्या मतलब, पूरे देश को इंतज़ार रहता है कि वो कब अपना शो करें, जोश में करें और अच्छा करें, तो वो काम तो वो अच्छा ही करते हैं। देखते हैं, देखिए लोगों के तौर तरीके के बारे में तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, लेकिन ये भी एजिटेट हुए एक स्पेसिफिक पोर्टल की वजह से। उस स्पेसिफिक पोर्टल ने मेरे बारे में भी काफ़ी भला बुरा कई बार कहा है, तो मैं भी उस पोर्टल को ज़्यादातर इग्नोर, स्पॉट बॉय नाम है उस पोर्टल का, उसको मैं काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं और बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो पोर्टल रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, पर इस बात पे गुस्सा होना वाजिब है, हो जाते हैं, हमको भी बुरा लगता है कभी कभी हमारे बारे में अजीब चीज़ लिखी जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन उस बुरा मानने को किस तरह एक्सप्रेस करना है और किस तरह उसे हैंडल करना है वो कभी कभार इंसान उसको तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते, तो ऐसा हो जाता है। पर मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि शुरुआत से ही मतलब वो स्पेसिफिक पोर्टल कपिल के बारे में हमेशा बुरा बुरा लिखते आए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। मैं खाली कह रहा हूँ कि इतना हंसाया है लोगों को, इतना एंजॉय किया है, जो लिख लिख भी रहे हैं उनके परिवार ने भी बैठ के काफ़ी बार शो देखा होगा और एंजॉय किया होगा, तो ऐसा ना करें यार, मतलब खुशी बांटें, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, लेकिन खुशियाँ जहाँ तक फैला सकें फैलाएँ, नेगेटिविटी ना फैलाएँ। भाई ये तो फॉर्मेट चेंजेस है, मतलब फॉर्मेट में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाए, गेम शो बना कर लाए, तो शायद गेम शो फॉर्मेट इतना, लेकिन कपिल शर्मा जो अपना स्टैंड अप करते हैं उनका जो हंसी मजाक है पीपल ने वो तो इन्जॉय करते ही हैं, खाली फॉर्मेट नहीं जमा, तो उसकी वजह से कपिल शर्मा का ह्यूमर वैसा नहीं रहा जैसा था, वो बात तो नहीं है, ये एक फॉर्मेटिंग की चीज़ है। और जैसे ही फॉर्मेट को फिर से बदल के हम उसी तरीके से शो को लेके आएंगे जैसे पहले था, तो सारी चीज़ें अपने ट्रैक पर आ जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ तो इस हफ्ते हमारा एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए और शायद आगे के भी अभी देखेंगे, मतलब अभी बने तो नहीं हैं पर कैसे वापस आते हैं। बट कपिल शर्मा को अगर थोड़ा वक्त चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, मेरे ख्याल से हम सबको वो वक्त उन्हें देना चाहिए। थैंक यू। लोकमत हे जे वर्तमानपत्र आहे हे महाराष्ट्रातलं अत्यंत प्रसिद्ध वर्तमानपत्र आहे, लोकांच्या वेदना लोकांच्या समोर मांडणारं वर्तमानपत्र, दलित असतील, गोरगरीब असतील, व्यापारी असतील, इंडस्ट्रीचे लोक असतील, अशा सर्व लोकांच्या व्यथा मांडणारं एक अत्यंत लोकप्रिय असणारं हे लोकमत हे वर्तमानपत्र आहे। आणि हा महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर हा जो अवॉर्डचा कार्यक्रम आहे, हा पाचवा अवॉर्डचा कार्यक्रम होत आहे। महाराष्ट्रामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारे जे लोक आहे त्या लोकांना हा अवॉर्ड देण्यात येतो, आणि हा कार्यक्रम अत्यंत प्रसिद्ध असणार अशा पद्धतीचा आहे। ज्यांना ज्यांना लोकमतच्या वतीने अवॉर्ड मिळणार आहे त्या सर्वांना मी अगदी शुभेच्छा देतो, आणि महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर हा अवॉर्ड हा सन्माननीय अवॉर्ड आहे, आणि म्हणून मी ज्यांना अवॉर्ड मिळणार आहे त्यांना शुभेच्छा देतो, लोकमतच्या परिवाराला मी शुभेच्छा देतो, राजेंद्र दर्डा, विजय दर्डा आणि त्यांची जी सगळी टीम आहे, या टीमला मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने, त्याचबरोबर नरेंद्र मोदींच्या सरकारमधला सामाजिक न्याय खात्याचा राज्यमंत्री म्हणून
मी त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय लोकमत. किस बारे में? अभी देखिए, मैं ये अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, एक बार अटेंड कर लूँ, देख लूँ, फिर उसके बारे में बताऊँगा. अभी बताना ठीक नहीं है ना. बट विजय डल्डा जी मेरे बहुत पुराने, मतलब आपको बताऊँ नियरली 35-40 ईयर्स पुराने मित्र हैं. वो जब यवतमाल में उनके फादर बुलाते थे तब भी जाता था. आज उन्होंने बुलाया तो आज भी आया हूँ. बाकी ये प्रेम से आया हूँ. अवार्ड फंक्शन देखते हैं कैसा. ओके, अक्षय कुमार को, ओ ही डिजर्व्स एवरी अवार्ड. ही इज अ बिग इंस्पिरेशन, इजंट ही? थैंक यू. बहुत थ्रिल्ड हूँ. मैं 1997 में मुंबई पहली बार आई और तब से मैं यहाँ की रह गई हूँ. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का जो सेलिब्रेशन है, इज अबाउट बीइंग अ महाराष्ट्रियन. एंड आई फील वन, एंड आई हैव गॉट सो मच लव फ्रॉम महाराष्ट्र एंड फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई. सो आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड.